तो दोस्तों आज आपसे बहुत ही पॉपुलर और कलरफुल प्लांट की बात करता हूँ। यह प्लांट आपके गार्डन में साल भर बना रहेगा और यह पत्तियों से बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट कोलियस है। आज हम कोलियस की कटिंग लगाना सीखेंगे। इस गर्मी के मौसम में अप्रैल मई में इसकी कटिंग आप आसानी से कैसे ग्रो करें, इसके रिजल्ट के साथ मैं आपको इसका अपडेट दिखाऊंगा। नर्सरी में यह प्लांट आपको 20 से लेकर के 80 रुपए तक मिल जाएगा। इस प्लांट की पत्तियां कई रंगों में आती हैं। रंग बिरंगी पत्तियों में यह प्लांट इतनी वैरायटी में आता है कि आपके गार्डन को बिना फूलों के रंग बिरंगा कर देगा। अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आती है या आपके बालकनी में धूप नहीं आती है और अपने गार्डन और बालकनी को रंग बिरंगा रखना चाहते हैं तो यह प्लांट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए, यह भी एक कोलियस का प्लांट है। इस तरह से इसकी रंग बिरंगी पत्तियाँ बहुत सारी वैरायटी में आती हैं। कटिंग लगाने से पहले कोलियस की कुछ बातें जानते हैं। कोलियस एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी सॉइल की बात करें तो इसे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। सॉइल के लिए आप सॉइल, कंपोस्ट और सैंड मिलाकर तैयार करें। वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट की सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए, इसीलिए मिट्टी जब हल्की सी ड्राई रहे तभी आप वाटरिंग कर दें। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, लेकिन वाटर सॉइल में खड़ा नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात इस प्लांट के फर्टिलाइज़र की करते हैं तो इस प्लांट को महीने में एक बार आप 100 से 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट दे दें। अब इसकी हम कटिंग की बात करते हैं तो इस प्लांट को स्टेम कट करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने एक ब्रांच कट कर ली है। ब्रांच कट आप लीफ के नीचे से करेंगे और लीफ नीचे की आप हटा दें, किसी भी शार्प चीज़ से आप लीफ को कट कर लें। जिस भी चीज़ से आप कट करें, सीजर से या फिर ब्लेड से, उसे सैनिटाइज ज़रूर कर लें। ये मैं नीचे की लीफ एक एक करके हटा ले रहा हूँ। मैं इसकी कटिंग आपको बिना रूटिंग हार्मोन्स के लगाना बताऊँगा और कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। 4 से 7-8 इंच तक की कटिंग आप लें। यह एक पॉट है जिसके नीचे होल पर मैंने कंकड़ रख लिया है। अब इसको ग्रो करने के लिए आप सॉइल जो तैयार करेंगे उसे आप 3 तरह से तैयार कर सकते हैं। या तो आप सॉइल और सैंड को मिला करके कटिंग को लगा दें, या फिर मैंने सॉइल, सैंड और राइस हस्क मिलाकर मीडिया तैयार किया है। तीसरा, आप इसे केवल सैंड में ग्रो कर लें तब भी इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। किसी भी तरह से आप सॉइल तैयार कर लें, बहुत अच्छी तरह से इसकी कटिंग तैयार हो जाएगी। बस आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। अब सॉइल तैयार करने के बाद मैंने इसमें वाटरिंग कर दी है और वाटरिंग करने के बाद मैं ये एक होल बना ले रहा हूँ, क्योंकि कोलियस की स्टेम बहुत ही मुलायम होती है तो आप वैसे ही इसको दबाएंगे तो वह टूट सकती है। जो नोड एरिया था जहाँ से लीफ निकलती है उससे थोड़ा सा अधिक पोर्शन मैंने मिट्टी में दबा दिया है। इसको हाथों से किनारे किनारे अच्छी तरह से दबा दें, कटिंग आपकी ढीली नहीं रहनी चाहिए। अब आपको सबसे ज़रूरी काम करना है, अगर यह रेनी सीजन रहता तो कटिंग आपकी आसानी से ग्रो हो जाती, लेकिन गर्मी बहुत है तो इस गर्मी में कटिंग ग्रो करने के लिए अब आपको एक पॉलीथीन से अपनी लगाई हुई कटिंग को ढक करके इस पॉलीथीन को किसी भी रस्सी से आप बांध दें। ऐसा करने से मिट्टी आपकी नमी बनी रहेगी और कटिंग आपकी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगी। ऐसे बांध देने से इस गर्मी में सॉइल में नमी बनी रहेगी
आपको बार बार वाटरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और गर्मी में कटिंग ड्राई भी नहीं होगी। आज 12 दिन हो गए इस कटिंग को लगाए। अब मैं इस कटिंग को बाहर निकालता हूँ। आप देखिए पॉलीथीन में पानी की बूंदें दिखाई दे रही थी। ये कटिंग बाहर आने के बाद देखिए नई लीफ नई ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से आप कोलियस की कटिंग लगाएं, एक भी कटिंग आपकी बेकार नहीं जाएगी। अब हम इस कटिंग को पॉट से निकाल करके और इसकी रूट्स को देखते हैं कि रूट डेवलपमेंट इसमें कितना हुआ है। पॉट को उल्टा करके आप ठोक दें तो सॉयल सहित आपकी कटिंग बाहर आ जाएगी। ये देखिए रूट डेवलपमेंट इसमें बहुत ही अच्छी हुई है और आपको रूट इसमें दिख भी रही है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।